Some detailed explanation is asked for this question. ये question number 41 जो है, इस question के ऊपर detailed explanation पूछा गया है कि balance sheet में कितना amount दिखाया जाएगा. So before we proceed, हम इस चीज को discuss करें. इसके पहले आपको ये बता दें कि balance sheet के अंदर पहले तो ये आपको सबको ध्यान हो कि balance sheet में जो amount दिखाया जाता है, final amount जो share capital में आता है, वो आता है जितने shares issue किए गए हैं उनकी फेस वैल्यू के हिसाब से. अप्लाइड से कोई मतलब नहीं है. जो शेयर सप्लाइड होते हैं, जो एक्सेस बनी है, वो तो हम एडजस्ट कर देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है. बैलेंस शीट में ओवर सब्सक्रिप्शन में जितना एक्सेस मनी आता है या जो एक्सेस एप्लीकेशन आती हैं, उनका कहीं पे भी कोई इफेक्ट नहीं आता. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना. दूसरा, बैलेंस शीट में किस चीज का इफेक्ट पड़ेगा, अगर कोई अनपेड अमाउंट है वो अमाउंट माइनस हो जाएगा, और अगर कोई शेयर फॉरफिट हो गए हैं तो फॉरफिटेड शेयर्स का उतना ही अमाउंट आता है जितना फॉरफिट किया गया है. इनके अलावा बाकी सारे शेयर्स आते हैं. मैं दो चीज रिपीट कर दूं, बैलेंस शीट में क्या क्या नहीं आता. जितने शेयर्स पे कॉल सिनेरियस है वो अमाउंट नहीं आता है बैलेंस शीट के अंदर, जो कॉल सिनेरियस वाला अमाउंट माइनस हो जाता है. और अगर कोई शेयर फॉरफिट हुए हैं तो उनका ओनली पेड अप अमाउंट आता है. मतलब कॉल सिनेरियस आता ही नहीं है, जो शेयर्स फॉरफिट हुए हो या नहीं हुए. अगर फॉरफिट हो गए तो भी कॉल सिनेरियस नहीं आएगा उनका, और अगर फॉरफिट नहीं हुए तो भी कॉल सिनेरियस नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आता है. इन चीज को ध्यान में रख के करेंगे. वैसे मैंने चेक किया, ये थोड़ा सा आंसर इसमें गलत दिए हुए, बट स्टिल लेट अस सी. 50,000 शेयर्स है, 10 रुपीज है, प्रीमियम वगैरह तो खैर वैसे भी नहीं आएगा. अगर दिया प्रीमियम हो भी तो भी नहीं आता, शेयर कैपिटल प्रीमियम अलग से दिखाते हैं, तो इसमें वैसे भी प्रीमियम नहीं है. तो 50,000 शेयर्स है, 50,000 शेयर्स में 10 रुपीज के हिसाब से हमको 5,00,000 रुपए बैलेंस शीट में हमारी शेयर कैपिटल आनी चाहिए. बट हुआ क्या कि 50,000 शेयर्स में से 1,200 शेयर्स जिसने अप्लाई किए, तो अप्लाइड और अलॉटमेंट का रेशियो है 6:5. तो 1,200 शेयर्स अप्लाई किए तो अलॉटेड उसको कितने हुए हैं, 1,000 शेयर्स. ये 1,000 शेयर्स में फाइनल कॉल नहीं आया. फाइनल कॉल कितने हो गया, 10 रुपीज का शेयर है, 2 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपीज का फाइनल कॉल. तो ये फाइनल कॉल 3 रुपीज का नहीं आया है 1,000 शेयर्स के ऊपर. तो 1,000 शेयर्स पे 3 रुपीज नहीं आया, तो अमाउंट जो अनपेड है, दैट अनपेड अमाउंट इज 1,000 × 3, दैट इज 3,000. सॉरी, लीव इट असाइड, 1,000 × 3 रुपीज नहीं आया, चलिए ठीक है, ये अनपेड. तो पेड कितना है, 1,000 × 7, इन पे 7 रुपीज हमें मिल गए थे. तो खैर ये भी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है. ये शेयर्स हमारे फॉरफिट, इसमें से 600 शेयर्स रीइशू हो गए, वो भी रीइशू हो गया फुल्ली पेड. तो 600 भी हमें मतलब नहीं है. इस 50,000 में से जो शेयर्स हम नहीं दिखा पाएंगे, दैट इज जो 1200 शेयर्स जिसको अप्लाइड थे, जिसको हमने 1000 शेयर्स दिए थे, उसके हमने 600 शेयर्स रीइशू कर दिए. इसका मतलब जब 1000 शेयर्स में से 600 हमने वापस से रीइशू कर दिए, तो अभी भी 400 शेयर्स हमारे फॉरफिटेड पड़े हुए. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो पूरे 50,000 शेयर्स हैं, इसमें से सिर्फ 400 शेयर्स ऐसे हैं जो कंपनी के पास में, बाकी सारे शेयर्स पब्लिक के पास चले गए. 50,000 में से 1200 फॉरफिट हुए, 1000 शेयर्स फॉरफिट हुए, 600 रीइशू भी हुए, तो 400 शेयर्स अभी भी कंपनी के पास है. तो मुझे क्या करना चाहिए इस केस के अंदर, आई शुड डू वन थिंग, इसको मैं हटा देता हूं. हमारे जो 50,000 शेयर्स हैं उनमें से 400 कंपनी के पास में, तो लोगों के मतलब पब्लिक के पास कितने हैं, 49,600 शेयर्स. 49,600 शेयर्स पे कंपनी को 10 रुपीस पूरे पूरे मिल गए हैं, तो बैलेंस शीट में 4,96,000 तो ये आएगा, एक ही अमाउंट आएगा. दूसरा, जो कंपनी ने 400 शेयर्स अभी रीइशू नहीं किए वो अमाउंट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर आता है, एंड ये जो शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट है ये हम शेयर कैपिटल में ऐड करके दिखाते हैं. तो 400 शेयर्स पे 3 रुपीज नहीं आए तो 7 रुपीज आ गए थे, 2,800 हम ऐड करते हैं, तो बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल आएगी वो आएगी 4,98,800 से. दैट शुड बी द आंसर. अनफॉर्चुनेटली यहाँ गलती हुई हमसे, तो यहाँ पे हमारा जो भी आंसर आना चाहिए था, दैट शुड बी 4,98,800 should be the correct answer. So we'll correct this mistake.
the amount of share capital which is shown in the balance sheet is 498,800. That is there.